हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक मैच्योर एम्ब्रियो शेक को किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं और उसके को किस उसको हम किस तरीके से लेबल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ एक ओवल शेप इस तरीके से ले लीजिए और उस ओवल शेप को लेने के बाद सबसे ऊपर आप यहाँ पर तीन सेल ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरीके से, और तीनों सेल के अंदर आप एक एक न्यूक्लियस रख दीजिए। ऐसे ही बीच में यहाँ कुछ मिड सेक्शन से आप दो सेल यहाँ ड्रॉ कीजिएंगे और उसके ऊपर एक सेल ड्रॉ करेंगे और इनके अंदर भी एक एक न्यूक्लियस रख देंगे। इन न्यूक्लियस के अलावा यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें कुछ खाली जगह स्पेस देखने को मिलता है, जिसे हम वैक्यूल्स बोलते हैं, और वो वैक्यूल्स आप बना देंगे। अब यहाँ से जस्ट इसके थोड़े से ऊपर से डबल लाइनिंग को स्टार्ट करेंगे और इसे दो इस तरीके से डबल लाइन करके इसे नीचे की तरफ हम ले आएंगे। लाने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हें हम ड्रॉ कर देंगे और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपकी कहलाती हैं यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो अभी हम नेमिंग इंडिकेशन करेंगे तब लिखेंगे। और बीच में आपको एक सेल ड्रॉ करनी है जो कुछ इस तरीके से होती है और उसमें आपको दो न्यूक्लियाई ड्रॉ करने हैं। ऐसे आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये था एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो बहुत बार पूछा आता है। चलिए नाम इसके लेबलिंग की बात करते हैं। सबसे ऊपर ये तीन सेल जो आपको देखने को मिल रही है, इन सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो ये सेल देख रहे हो आप, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसके जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एग। और इसके नीचे ये जो दो सेल हैं, इन्हें बोला जाता है सिनर्जिड्स। इस सिनर्जिड के नीचे जो ये फिंगर लाइक अपीरियंस मैंने दिखाई है, इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये हो गया, इसमें जस्ट बीच में ये जो न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जिस साइड ये एग होता है उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और ठीक जस्ट इसके ऊपर की तरफ अगर हम जाए अपोजिट में, तो ये एंड कहलाता है चलाजल एंड। तो ये है सर सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर, 7 celled 8 nucleated structure, जिसे हम बोलते हैं 7 celled 8 nucleated structure। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।